उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेम दास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत प्रेम दास महाराज का हम लोगों से बहुत अच्छा संबंध था और अच्छा संबंध होने की वजह से जिस दिन महंत प्रेम दास ब्रह्मलीन हुए हैं उस दिन हम लोग महाराज के साथ यहाँ से लेकर अयोध्या तक साथ गए। शुक्रवार को भी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए गोरखपुर आए। वही इस संबंध में अयोध्या धाम के साधुओं ने कहा कि प्रेमदास महाराज के ब्रह्मलीन होने पर अयोध्या से मथुरा से सभी संत लोग यहां पधारे हैं, क्योंकि प्रेमदास महाराज नवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे, जिनका भंडारा व श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुक्रवार को किया गया है, जिसमें सभी संत व महापुरुष सम्मिलित होने आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने व्यस्त समय के बावजूद समय निकालकर श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए हैं। वह ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा और अयोध्या धाम से पधारे साधु संतों ने कहा। अयोध्या से और वृंदावन से सभी मठाधीश और संत लोग महापुरुष लोग यहाँ पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री वैकुंठवासी श्री प्रेमदास जी महाराज, जो कि वैष्णव परंपरा के महान संत थे, उनका शरीर रामनवमी के दिन पूर्ण हुआ था। आज उनका भंडारा 13वीं का भंडारा था, जिस भंडारा में सभी संत महापुरुष यहाँ सम्मिलित होने आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अधिकतम समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की और महाराज जी का भंडारा का कार्यक्रम चल रहा। हम सभी लोग श्री प्रेमदास जी महाराज के भंडारा में उपस्थित होने के लिए सम्मिलित होने के लिए अयोध्या से चल करके आए हैं। सारे पीठाधीश्वर लोग अयोध्या से आए हैं और बड़ा दिव्य भंडारा उनका सम्पन्न हो रहा है और सारी देख रेख और सारी व्यवस्था महाराज जी ने अजय कुमार सिंह जी को सौंपी। इन पे बहुत विश्वास किया और इन्होंने उनका सारा कर्म संपन्न किया है और बड़े ही विधि विधान से और बड़ी ही निष्ठा श्रद्धा के साथ उनके संस्कार को आपने संपन्न किया और आज सभी महात्मा लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अस्तु। माननीय श्री प्रेमदास जी महाराज हम लोगों के हृदय में थे, उनकी श्रद्धांजलि समारोह में अयोध्या से मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत धर्मेंद्र शरण आकर सभी आचार्यों के साथ में, संतों के साथ में, माननीय योगी जी के साथ में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करके श्री प्रेमदास जी महाराज के भंडारे में सम्मिलित हुए, श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हुए। ये अद्वितीय कार्य हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये उनकी जो है अंत्येष्टि क्रिया भी हुई और श्रद्धांजलि समारोह और भंडारा, भव्य भंडारा का आयोजन, जिसमें अयोध्या, काशी और चित्रकूट, वृंदावन धाम से सारे संत समाज धर्माचार्य आकर सम्मिलित हुए, ये अद्वितीय कार्य हो गया और उनकी सबके साथ में सुहृदता थी, शालीनता और संतत्व की परिचायक बन करके श्री प्रेमदास जी महाराज जीवन यापन करते थे, उनसे सब जुड़े हुए थे, इसलिए उनके कार्यक्रम में सब जुड़ गए। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। उनके गुरु भाई माननीय श्री बालकदास जी महाराज, रमायणी जी राम बालकदास जी महाराज अयोध्या वासी हैं, हम लोगों के अभिन्न मित्र हैं और श्री किशोरी जी के ही एक परिकर हैं, प्रेमदास जी महाराज के गुरु भाई श्री रमायणी राम बालकदास जी महाराज जी। हाँ, श्री महाराज जी, श्री महंत प्रेमदास जी महाराज का रामनवमी के दिन शरीर शांत हुआ, मैं अयोध्या से आया और दूसरे दिन इनको अयोध्या जी यहाँ से ले गए और भी भक्त यहाँ से गए और सरयू किनारे दाह संस्कार हुआ इनका, वहाँ से लौट के आए, इनका विधिवत जो कार्य है साकेत मास का वो सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 13वां दिन है और श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी के आदेशानुसार सब का संपन्न हुआ और आगे भी होता रहेगा। और महंत श्री प्रेमदास जी महाराज का जीवन स्वच्छ, निर्मल, सात्विक रहा, जीवन साधु सेवा करते हुए व्यतीत हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम चौधरी कैफुलवरा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मैं चेयरमैन हूँ। ये जो यहाँ के महाराज जी थे तो इनका हम लोगों का बहुत पुराना संबंध था
हम लोगों से इनके बड़े अच्छे संबंध होने की वजह से जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ है उस दिन हम सुबह से यहाँ से लेकर के अयोध्या तक हम साथ गए और आज भी कार्यक्रम हम लखनऊ थे, लखनऊ से भी हम चले आए कि ये कार्यक्रम अपने घर का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग सम्मिलित होने चले आए। मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं यहाँ पे भाग लिए हैं, आपके समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया है, देखा जाए तो भाई मुख्यमंत्री जी तो इसमें भाग लिए। मुख्यमंत्री जी की कि जब मेरी तरफ उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, कहिए चौधरी साहब आप ठीक हैं, उन्होंने यहाँ तक मुझसे पूछ लिया। तो इसलिए जब भी वो मुझसे मिलते हैं तो हमसे ये ज़रूर पूछते हैं चौधरी साहब क्या हाल चाल है, और हम लोग हमेशा मंदिर से जुड़े हुए हैं और कोई भी कठिनाई होती है, कोई परेशानी होती है, हम लोग मंदिर में जाकर के महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी उसका समाधान करते हैं। इस बार इसी वजह से महाराज जी को बहुत ज़्यादा वोटों से मुसलमानों ने वोट दे करके इनको एक जीत इतनी दिलाया कि महाराज जी को भी ये मालूम हो जाए कि हाँ इस बार यहाँ की जनता, सारी जनता किसी धर्म कौम की हो, सारी जनता ने उनको वोट दिया और अधिक से अधिक वोट दे करके इनको जिताया है।